डेली बेसिस पे व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा। स्टार्ट करो पीछे भाग रहे, क्यों पीछे क्यों भाग रहे हो? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं रबी लोबल के हवाले से। आमिर भाई ऊंचा करो, रबी लोबल का लंगर है। बाल भाई ने बनाई ताशला पड़ा हुआ है। अमली है लगी हाथ गोली आज के लिए हमने शापर करना है। खाओ फिर बात करते हैं, ठीक है? और आई होप सो कि आशिर ने काफी एंटरटेनमेंट किया हो। दीवाने दीवाने से छीन के सफर वो शर्तें रखते हैं ना, चैलेंज एक कमेंट से हम लोग चैलेंज नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज मी अरबाज नियाजी। सो ऑल माय यूट्यूब फैमिली, आज का सीन कुछ यूँ है कि फाइनली मैंने आज फिर से 12 रबीउल का व्लॉग बनाया। लास्ट ईयर तो माशाल्लाह मैंने लगातार 12 से 13 व्लॉग्स बनाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इन दिनों के अंदर काफ़ी मसरूफियात थी जिसकी बुनियाद पर मैं व्लॉगिंग सही से नहीं कर पा रहा है, डेली बेसिस पे व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। बहरहाल कोई नहीं, जो भी व्लॉग बनाने की मैं कोशिश करूंगा, मतलब जितना भी हो सके मैं अपना कंटेंट निकालने की कोशिश करूंगा। सो आज का सीन कुछ यूँ है कि महफिल नात है हमारे एरिया के अंदर, सो उसको चलते हैं, इंजॉय करते हैं, हुजूर की मिलाद मनाते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे से कमेंट्स कर दें। बेसिकली मैं वाजिद शाह बाबा की दरबार भी खड़ा हूं और बहुत ही प्यारा यूनिक सा माशाल्लाह सजाया गया है इसको, और अब मैं यहां पर नमाज इशा पढ़ता हूं। सो चलें देखते रहिए। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत कह रहे मुझसे बड़े अपना ब्लॉग स्टार्ट करो, हजरत पीछे भाग रहे, क्यों पीछे क्यों भाग रहे हो? चलें, हमारे प्यारे से नन्हे से कजन जा रहे हैं और इनको मैंने कहा है जाएं आप ब्लॉग बना के आगे स्टेज का और नाथवानी का, क्योंकि मैं एंड पर हूँ, लेट हो चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा प्लीज तुम जाओ थोड़ा मोमेंट कैप्चर करके आओ। अब करने वाले वो अपना अगर ये मेरे मेरे अपने पिता के लिए प्यार जाने के लिए जा रहा है तो मैंने इसे अपना माँ बाप बना दिया है, क्योंकि मेरे माँ बाप से मेरे ने पसंद किए हैं। उसके पास तौरात की मिसल की शहजादी थी और बेशुमार, उसने तौरात में पढ़ रखा था कि नबी आखिर जमान के जो वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह होंगे उनकी पेशानी में नूरे मोहम्मद चमक रहा पेशानी में। उसने तौरात में पढ़ रखा था कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी की ये निशानियां होंगी और उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफा भी चमकेगा, और ये भी लिखा था कि इसकी पहचान ये होगी कि जितने भी जानवर उस नूरानी नूरानी मुस्तफा के वालिद के सामने खड़े होंगे ना, सारे जानवर अपने सरों को झुका देंगे। यार ऐसे नहीं, सुभान अल्लाह की बात, सुभान अल्लाह, यानी हजरत अब्दुल्लाह की पहचान ये होगी कि जानवर जितने भी बकरियां हो घोड़े हो अगर इनके सामने आएंगे ये नूर को देखेंगे अपनी गर्दनें झुका लेंगे। उस शहजादा ने मिस्र की शहजादा ने जब ये पढ़ा तो देखिए मैं मिस्र की शहजादा बड़ी मालदार हूं, बड़ी साहिबे
अगर आप मुझसे निकाल करेंगे जिंदगी बड़ी गुजरेगी, सारी जिंदगी आपकी आराम से गुजरेगी। हजरत अजनाब सैयदना अब्दुल्लाह ने जब ये सुना, आपने मैं तुमसे निकाने का सकता जब तक जमी अपने वादे नहीं जनाबे जनाबे मुत्तलिब से पूछ नहीं लेता। हजरत अब्दुल्लाह अपने वाले जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास जाते हैं, आपको पता चलता है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आपके निकाह की मदद से जनाबे सैयदना आमिना के घर तशरीफ ले जाते हैं। क्या होता है जनाबे अब्दुल्लाह का निकाह हजरत जनाबे सैयदना आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा से तय हो जाता, निकाह हो जाता। निकाह के तीसरे या चौथे रोज हजरत अब्दुल्लाह अपने वाले ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने इस आमिना से निकाह किया। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस मिस्र की शहजादी से भी निकाह करवाकर याद रखिए लोगों को वो दौर जिस दौर में दो दो या तीन या तीन निकाह करना कोई मायूस नहीं समझे जाते थे और तो बुरा नहीं लगता हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जब इजाजत लेते हैं वो ये कहते हैं ओ मेरे बेटे अगर तेरी ख्वाहिश है तो तू उस शहजादी से भी निकाह कर ले। जनाबे अब्दुल्लाह उस शहजादी के तरफ जब जाते हैं उस शहजादी को देख पड़े उसे दावत देते देते वो शहजादी चेहरे पे देख ले अपना मुंह फेर ले। जनाबे हाबेला के तंग के ओ भी शहजादी उस दिन ने बड़े बड़े इमाम से बड़े बड़े शौक बड़े परजोश मुझे दावत देने का थी। देखिए आज मैं वाले जैसे जैसे निकाह की इजाजत लेकर मैं तुझसे निकाह करने के लिए आया हूँ लेकिन आज तूने चेहरा फेर लिया। वो कहने लगी ओ तुझसे निकाह करने के लिए आस आस न थी मैं तो उस नूर की दीवानी थी जो तेरे शाशने से निकाह करने के बाद खत्म किया अपने लबैक का और जब सोने ने मुझसे कलाम किया तो कहा मैं पूछने लगी कि मैं आपके मजहब के मुताबिक नजस बनी हूं आप मुझसे मुकालमा कर रहे हैं तो मेरे नबी ने फरमाया तुझसे बात इसलिए कर रहा हूं कि तुम आप तू अब यहूदन बाकी रहने वाली नहीं है ये मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान माने वाली है। कहने लगी हो सोने पर आप मुझे जल्दी जल्दी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए मेरे मुस्तफा मरी मेरे उसे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया दिया। इसकी आंख खुलती है सुबह का वक्त होता है अपने कपड़े समेटने लगती है अपने सारा सालों सारा सामान इकट्ठा करने लगने लगती है। इसका खामन यहूदी घर पे आता है कहने लगता है ओ ओ बेबी ये क्या प्यार है ये क्या प्रॉब्लम है। कहने लगने लगती है अब मैं तेरी बेबी नहीं रही क्योंकि अब मैं सोने को लगा पढ़ के मुसलमान हो चुकी हूँ। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर मैं सकलमा पढ़ के मुसलमान मैं तेरी बीवी नहीं रही। कहने लगी खुदा की बंदी तरफ मैं सब सुन तो लिया होगा कहा सब सोचने की जरूरत ही नहीं हुई सोने ने खुद ख्वाब में आके मुझे पे करम फरमाया इसलिए मैं जा रही हूं। तो यहूदी जो था वो कहने लगा तुझे क्या लगता है कि मदीने वाला तुझे नवाजेंगे तो मुझे मारमा छोड़ देंगे। सुभान अल्लाह ओ बीबी एक तरफ सोने वाला मदीने वाला रात को ख्वाब के अंदर तेरे ख्वाब में आके उस सोने तुझ पे करम फरमाया तो दूसरी तरफ वो मेरी माँ ने तशरीफ लाए थे उन्होंने मुझ पे करम फरमा के मुझे कलमा पढ़ा के मुझे मुझे सम्मान कर दिया है। अब दोनों खुशी 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 सोने सोने लादत की खुशी में खुश होंगे गली मोहल्लों को सजाएंगे लोगों ने खाना खाना करेंगे। उलमा ने ये कहा था कि अगर अगर एक यहूदी उसके जहन में ये ख्याल आया काश मुसलमान होती मैं सोने सोने मत की लादत की खुशी में खुश खुश
काश मैं मुसलमान होती, सोने की विलादत खुशी में खुश होती, महफिल भी ना थी, तो अल्लाह उस यहूदन क्या उस यहूदन के शौहर को भी ईमान की दौलत अता कर दे, तो जो नबी का उम्मती नबी की विलादत की खुशी में खुशियां मनाए अल्लाह उस पर कितना करम फरमाएगा। इसलिए झूम झूम के हमारे नौजवान हमारे बच्चे लाइटिंग करेंगे, मस्जिदों को सजाए, लोगों में खाना तकसीम करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत की समझ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आखिर दावान मान आने लाने का इंतजार करा दे बड़ा सेटअप है इंशाअल्लाह, अल्लाह फजल फरमाएगा, सेटअप चल रहा है, पढ़ आ रहा है, इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे के अंदर ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचेगा। सिर्फ अकेडमी तक नहीं, बहुत कुछ और भी सोचा है कि हमारे हमारा यहाँ बैठना, तेरे महबूब की विलादत की खुशी में खुश होना, बयान करना, नाथानी करना, इस जमीन को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। इलाहल अलमीन ने हमसे जो भी नियत में अल्फाज की अदायगी में गलत न हुई हूँ अपने फजल करम के सदक़े मुआफ़ी अता फरमा। इसका सवाब प्यारे अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीयतन तौफ़ा अक़ीदतन पेशकश में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमको अपना भाई मिल गया इकबाल भाई। इकबाल भाई मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है, महफिल अच्छी हो रही है माशाल्लाह। ये आमिर भाई हमारे, आमिर भाई और सुनाओ, आप सुनाओ। अल्लाह का करम है, शुक्र है। ये देखें लंगर तकसीम हो रहा है माशाल्लाह, लंगर हो रहा है। ये हम लोग भी बांट के खाते हैं इंशाल्लाह। ये हमारा मामू वो बैठे हुए स्टेट मेरे को तो पकड़वा दिए, बोलते हैं लोग चल सही है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। हाँ लंगर कर रियाज हम लोग भी बैठ रहे हैं, ये हम लोग ही लंगर खाते हैं, फिर इंजॉय करते, फिर आपको खाने के बाद व्यू दिखाते हैं माशाल्लाह। हमारे भाई बैठे हैं, हाँ भाई हमारा मामू पीछे बैठे लंगर खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ये रहा पीछे बैठा हुआ सरदार भाई का, ये देखिए हमारा जुनैद भाई है, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं रबी लवल के हवाले से, और ये देखिए क्राउड माशाल्लाह। ये आमिर भाई हैं, सुहेल भाई हैं। आमिर भाई ऊंचा करो, रबी लवल का लंगर है, छुपो नहीं। निशान भाई देखिए क्या बांट रहे हैं चाय के लिए, निशान मस्ताना भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं उस पार्टी से,
लंगर बांट रहे हैं, खा रहे हैं सारे लोग, दही दे रहे हैं, चाय के लिए कप दे रहे, पता नहीं क्या ना क्या दे रहे हैं, अभी बस हो रहे वो खा रहे वो पी रहे हैं। ये चाह भी है नहीं पाई पे शादी नहीं लड़े ने है कच्चा तुन दे तुन सारे कप खाली पहन दे जुलम करने पहन साले ना जुलम है भाई जुलम हो रहा है हम लोगों को चाय नहीं दे रहे बाल भाई ये देखें लेकिन चाय बहुत है क्योंकि चाय मैंने बनाई है उसमें चाय बहुत है चाय बाल भाई ने बनाई है ताशला पड़ा हुआ है उसमें नहाएंगे हम लोग फिर भी नहीं दे रहे कुछ चकने वाली तो दे अलग बैठ के पियो अलग बात है इसमें अलग मजा है। हाँ चन्नू खाया पिया पेट हो गया हाँ पाई पहन जा रहे है कहते मुल्ला टिकटॉकर ही बैठे हाँ टिकटॉकर और टैक कैसे हो रज रहे हो कौन सी बिरयानी है टिक्का बिरयानी ओए 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 पार्ट कहाँ गया हमारा वो पार्ट अभी वो वापस नहीं लाएगा ना गया लाला चाह तो ले आने बैठे हैं यार तसे और पानी 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 चाह दे दसें पानी दे नहीं अम्बोली है लगी हां ते गोली रिया लेखा और रिया पतरे की चाह पिलवा या पतरे बैठा है यार हमारा समीला भाई यार है हमारा बड़ा कजन है ओ समीला भाई मजा आया महफिल में बात थोड़ी चाह तक मजा आया था नाला कप पे वे के है इधर मेनू दे ले एक ये भी आए थे देख वाने टू दोनों रजू है काने पाऊं है एक मुंह पाऊं है हमको तो मिल गई है चाय एक भाई भाई का खाली कप वो ले गया वो लेकिन नहीं पीनी क्योंकि बहुत है चाय बाल भाई शेयर कर लेंगे शेयर अच्छी बात है ठीक है हाँ ये बंदा बहुत चाय की तरफ बहुत भाग रहा है इसकी वीडियो कौन हाँ एक बाल भाई का कप भी ले गए चश्माटू है भेंटरी ऐसे तो ले होता है इतनी मजे की चाय की चाय को गाड़ी खड़ू है नहीं नहीं मैंने लोगों को रजाया है लोगों को रजाया नहीं है टुब्बे भरे हैं तुमने आई हेड चाय नहीं टुब्बे भरे हैं जेब में भी डाला हुआ है तुमने इसने डाला हुआ नहीं है जेब में डाला ये झूठा ऐसी गए इसके मैं भी जेब खोलूं तो कुतरियां भी होंगी इसकी जेब में मजेदार कुतरियां माने बोटी बोटी जेब में होगी इसकी ना। ये देख गए अभी ये छोके नाथ के पीछे बैठ के ये खाएगा ये देखे चोर लेकर जरबाज के लिए हमने छापर करना है ये हाल है भाई मजा आया भाई महफिल में ओ मौली मजा आया का सही का खा दे सही का खा दे सही तो नहीं उन्हें चाह भी टीवी से यार ये बशीर भाई बैठे बशीर भाई मजा आया है महफिल में बशीर भाई मजा आया है महफिल में हाँ ना मजा आ रहा है हम भी मजा आ रहा है हमने चैट एंजॉय किया पी रहे हैं वो अदनान का साहब बुला रहे सही है हमारा मामू बैठे है और मामू तकड़ा बता वालेकुम अस्सलाम पहले खाओ फिर बात करते हैं ठीक है और अदनान भाई महफिल में मजा आया हाँ माशाल्लाह बहुत मजा आया ओ अदरीस भाई कैसा एंजॉय किया ना तो हमने पर एंजॉय आपको करना चाहिए मैं थोड़ा लेट आया हूँ ना अक्सर चावलों के टाइम आया यार हमारे हुक्मरान बैठे हुए इधर माशाल्लाह ठीक है फिर आपको मैं बाद में दिखाता हूँ हमारा आलिम साहब भी बैठे हुए आपको दिखाता हूँ इसने बड़ा प्यारा जबरदस्त बयान किया है आंखें और दिमाग खुल गया देख
ये हमारा ध्यान आलिम साहब, आप लोग खैरियत से होंगे पता नहीं, ये ठीक ठाक होंगे और देखते रहिए इस टाइम पूरा महीना मिला के होने चाहिए बेटे नहीं हमारे अरबाज भाई बैठे एंजॉय कर रहे हैं। अभी तुम क्यों आ रहे हो? जब मैं बुला रहा था तो मैंने खाना खा लिया, सिर्फ चाय पी रहा था। उस टाइम आप तुन रहे थे ना? नहीं मैं तुन नहीं रहा था, मैंने खाना खा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी थी और चाय भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी महफिल रही है और आई होप सो कि आशिर ने काफ़ी एंटरटेनमेंट किया हो। और गाइस साहब एज यूजुअल मेरे साथ बैठे हुए हैं, गाइस साहब का अपना चैनल जो है मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी, यस मैंने लिंक भी डाल दी थी और अगर अभी तक आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बुरी बात है। वो अगरचे मेरे खुद की भी गिनती की सब्सक्राइबर है लेकिन फिर भी कर लीजिए। और ये हजरत साहब ने जिन्होंने बयान किया है वहाँ उस तरफ देखी जाओगे सब दिखा दिए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और गुस्सा भी हो रहे थे मौलवी साहब, क्यों पता नहीं, बहुत वीडियो बन करो वो खाना खा रहे हैं और तुम उनकी वीडियो बना रहे हो, कितने निकाल लो यहाँ नोट खाना जिससे हमारा अदरीस भाई है। और अदरीस भाई जी फरमाए मजा आया? अदरीस भाई आप गुस्सा हो रहे थे वीडियो बना रहे थे, पता नहीं आंखें ऐसे कर रहे थे जिनसे हमने शुरुआत की है। हम लोग काफी लेट है अदनान भाई की आप लोगों को नात नहीं सुनाई, इंशाल्लाह फिर जिंदगी यही तो सुनाएंगे। अदनान भाई दो अरशाद सुना दें, सुने वही कलाम बिस्मिल्लाह। दीवाने दीवाने हम अपने नबी के, दीवाने 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 हम इश्क वफा की मस्ती में दिया इश्क का दर्स सहाबा ने, तैयार जो रहते थे हर दम सर नाम नबी पे कटवाने। दीवाने दीवाने हम अपने नबी के, दीवाने दीवाने दीवाने। सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम था, बहुत लफ्ज दीवाना जो है ये पहले दावत। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमारे इंतजामिया भाई अभी रोटी खा रहे हैं, पहले बांटते हैं फिर हम लोग खाते हैं माशाल्लाह। अगर बच्चे या ना बच्चे आपको दिखाता हूँ, ये अभी खा रहे हैं बिरयानी शरीफ, पहले बांटते हैं फिर खाते हैं, ये हमारा शुरू का निज़ाम है। तो हम लोग कभी खा बैठे हैं खाए होंगे, हमारा मामू भी जा रहे खा के, हाँ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कड़े वेंड हैं, अब जाते हैं घर की तरफ क्योंकि फिर कल माशाल्लाह से नए ब्लॉग के साथ आना है और डेली ब्लॉग्स पे मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, आशिर भी मसरूफ होता है काम धंधे वाला है इसलिए। हम देखो हम बल्ब नहीं बनाते फिर इधर ऐसी थोड़ी रोशनी होती है, हम बल्ब बनाते कंपनी में, देखो लाइट सारे अभी लाइट देखो मोबाइल की लाइट ही ऑन है, लाइट नहीं बनाते, एक दो से चालू है अभी, चालू नहीं अभी पूरा टबर चालू होएगा किधर मैंने हदिया व्लॉग एंड करा। इकबाल भाई आई लव इट योर टी, आपने बनाई चाय? जी माशाल्लाह बहुत मजे की थी यार, जबरदस्त। इसका राज कोई जान सकते हैं हम लोग? बताते हैं आपको, 12 रबी अव्वल। सुभान अल्लाह, लेकिन स्पेशल बस से चाय बनी है तो फिर क्या शानदार चाय होगा। लेकिन स्पेसिफिक कोई लोकेशन है जिसकी बरकत ये है? बिल्कुल बिल्कुल, एक दरगाह से बनकर आई है, बिल्कुल, और आई है रबी अव्वल के हवाले से। सुभान अल्लाह, इसकी तो डबल दुगनी, डबल दुगनी, बिल्कुल। एंजॉय टी मियां वाली ने उर्दू यार इसको तो बांध कर खट्टा दी, किसको देनी है? नहीं आप लोगों को सपोर्ट करते तो इसलिए नहीं थकते हैं। अच्छा। यस तो आप पूरा दिन ही काम होता है आपका वीडियो बनाना? यार 12 रबी उल के स्टार्ट फर्स्ट डे बनाया ब्लॉग और आज बना रहा हूँ। अच्छा। अंदाजा लगाओ टाइम मिलता ही नहीं है। जब देखता हूँ आपकी वीडियो यूट्यूब पे आई होती है। सुभान अल्लाह यार, इसका मतलब आप सब्सक्राइबर हैं हमारे। हाँ बिल्कुल, वो भी मैंने इससे छीन के सब्सक्राइब किया। इस बहरहाल क्या गए यार, क्या हाल है जुनैद भाई? ठीक ठाक मूड है यार।
फिर आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। ठीक है, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक, कमेंट कमेंट ज़्यादा किए करें, पढ़ने में मज़ा आते हैं। ठीक है, अगर एक बार और आप लोगों को बताएं, आप लोग वो शर्तें रखते हैं ना, चैलेंज, एक कमेंट से हम लोग चैलेंज नहीं करेंगे। हज़ारों कमेंट आए ना, 50 कमेंट एक चैलेंज का, तब करेंगे चैलेंज। मैं एक कमेंट भेजिए तो भी चैलेंज करो, ये ड्रामा नहीं चलेगा। ज़्यादा कमेंट हो फिर हमको दिमाग में लगे, हाँ भाई ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं एक चैलेंज के, फिर हम लोग करेंगे, सोचेंगे फिर। यार याशिर, ये तो तुमने बहुत बड़ी ट्रिक की बात बोली, मैं तो एक कमेंट पे भी हामी भर लेता हूँ भाई। हाँ ना, इसलिए तो मैंने आपके आपके मैसेज में आया हुआ था भाई, आशिर को 24 घंटे के लिए इग्नोर करो। मैंने बोला हरगिज़ नहीं, क्यों भाई, एक कमेंट के लिए इग्नोर 24 घंटे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है भाई। यहाँ हम काम धंधे वाले हैं, बिजी नहीं होते हैं। ज़्यादा कमेंट आएंगे इंशाल्लाह, आपका मैसेज को दिमाग में डालेंगे, फिर बनाएंगे, शुगर मुगली करेंगे, चीज करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।